Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard Pooja Ranjan. This channel is all about the science subject of classes 6, 7th, 8th, 9th and 10th physics and chemistry. If you are new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos. And if you like the explanation, then please press the like button and you can share this video with your friends, family and the classmates. So the chapter which we are going to discuss today is of class 8, chapter 1, biology, crop production. सो इस चैप्टर पे मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुकी हूँ. सो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं. और जो टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं वो है, सो जो नेक्स्ट स्टेप है इन द क्रॉप प्रोडक्शन इज द वीडिंग. सो वीडिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें वीड समझना पड़ेगा. वीड क्या होते हैं? वीड वो अनवांटेड प्लांट होते हैं जो कि ग्रो होते हैं अलॉन्ग विद द क्रॉप्स. सो जैसे ही आप क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो आपके क्रॉप्स के साथ जो भी अनवांटेड प्लांट हैं, मतलब जो आपने नहीं लगाए हैं, वो खुद ही ग्रो हो जा रहे हैं. ऐसे प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं. अब प्रॉब्लम क्या है, मान लो मेरे क्रॉप्स के साथ दूसरे प्लांट्स भी ग्रो हो रहे हैं तो जो वीड्स होते हैं बेसिकली वो भी ग्रीन होते हैं इन कलर, ठीक है. तो उनको भी वाटर, मिनरल और सनलाइट चाहिए होता है टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. सो वॉट एवर द वाटर और जो मिनरल प्रेजेंट है आपके सॉइल में या फिर जो सनलाइट प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सो पहले अगर वीड्स नहीं होते तो वो सारा का सारा आपके क्रॉप को मिलता और आपके क्रॉप जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो हो पाते. बट क्योंकि अब वीड्स भी ग्रो हो गए हैं तो वीड्स भी वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सॉइल में से मिनरल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सनलाइट ले लेते हैं, जिसके कारण आपके क्रॉप्स को प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, मिनरल और सनलाइट नहीं मिल पाता, जिसके कारण आपके जो क्रॉप्स की यील्ड है, उपज है, वो कम हो जाती है. वीड्स के संग एक और प्रॉब्लम है कि ये ग्रो तो हो जाते हैं आपके क्रॉप्स के संग, बट ये बहुत ही फास्ट फैलते भी हैं. ओके, तो अगर मान लो आज आपने देखा कि 1/4 आपका फील्ड जो है वो कवर्ड है विद द वीड्स, सो नेक्स्ट 2-3 डेज में वो हाफ ऑफ द जो फील्ड है वो कवर्ड हो जाएगा आपका विद द वीड्स. सो अगर आपने थोड़े से वीड्स देखे और उसी वक्त उनको नहीं निकाला तो वो बहुत फास्ट ग्रो हो जाएंगे, और जिसके कारण कि आपके क्रॉप्स को प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, मिनरल और सनलाइट नहीं मिल पाएगा और आपके क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है, जो यील्ड है, वो कम हो जाएगा. सो इसीलिए बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम इन वीड्स को रिमूव करना. वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीड्स भी ग्रो होते हैं विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, एंड इवन दे कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन एज लाइक अ क्रॉप्स ओनली. सो एमेरेंथस एक ऐसा वीड है जो कि ज्यादातर हर क्रॉप के संग ग्रो हो जाता है और इसको हम हिंदी में कहते हैं चौलाई. अब ये जो प्रोसेस होता है जिससे कि वीड्स को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द फील्ड, इसी को हम वीडिंग कहते हैं. अब वीडिंग क्यों करना जरूरी है आपको पता चल गया. अब वीडिंग को करते कैसे हैं, तो वीडिंग का एक तरीका है कि आप इसको मैन्युअली कर सकते हैं. तो आप अपने फील्ड में हाथ से पकड़ पकड़ के, क्योंकि ये जो वीड्स होते हैं ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं तो इनकी जो रूट्स होती हैं बहुत ज्यादा डेप्थ तक नहीं जाती, तो आसानी से आप उनको हाथ से पकड़ के प्लक करके निकाल सकते हैं. तो एक तो होता है कि मैन्युअली उनको पुल करके आप रिमूव कर दें बाय योर हैंड्स. दूसरा, आप ट्रावल का यूज कर सकते हैं जिसको कि हिंदी में खुरपी कहते हैं, तो खुरपी की मदद से भी आप उनको बाहर निकाल सकते हैं मिट्टी से. और तीसरा जो है वो हैरो है टू अपरूट देम, ठीक है. तो दिस इज द हैरो, इसको यूज करके भी आप वीड्स को खेतों में से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है. बट ये सब चीजें जो हैं, अगर आप मैन्युअली हाथों से करते हैं या फिर आप ट्रावल खुरपी से करते हैं या हैरो से करते हैं, सो इन सब में बहुत टाइम लगता है. ओके, अगर एकर्स ऑफ फील्ड पे आपने क्रॉप ग्रो किए हुए हैं, सो वीडिंग को करने का सबसे आसान तरीका है कि आप स्पेशल केमिकल्स उस पे स्प्रे कर दीजिए, लाइक द हर्बिसाइड्स और द वीडिसाइड्स विद द हेल्प ऑफ द स्प्रेयर. वो क्या करते हैं, वो आपके वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. जो बेस्ट पार्ट होता है ऑफ डूइंग द वीडिंग बाय स्प्रेइंग द हर्बिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स इज दैट वो केवल आपके वीड्स को डिस्ट्रॉय करता है, वो आपके मेन क्रॉप को अफेक्ट नहीं करता है. ज्यादातर कॉमन वीडिसाइड्स जो यूज होते हैं डेलाफिन, मेटाक्लोर और सिनेजिन होते हैं. हाउएवर वीडिसाइड्स एक पॉइजनस केमिकल सब्सटेंस है और इसीलिए जब भी आप ग्रेन्स को या किसी भी क्रॉप को यूज कर रहे हैं, ठीक है, सो हमेशा मेक श्योर करिए कि आप उसको प्रॉपरली वॉश करिए, क्योंकि जो वीडिसाइड्स छिड़का गया है वो पड़ा तो आपके क्रॉप्स पे भी है ना. सो इसीलिए अगर आप बिना वॉश के किसी चीज को खाते हैं तो वो जो केमिकल, पॉइजनस केमिकल है वीडिसाइड्स, वो आपके बॉडी में अंदर चला जाएगा और आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. सो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप खाने से पहले किसी भी ग्रेन को प्रॉपरली वॉश करें. और इवन जो वीडिसाइड्स होते हैं दे कैन बी ऑल्सो पॉइजनस
फॉर द पर्सन हु इज स्प्रेइंग इट. सो इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि जब वीडी साइट्स को स्प्रे किया जा रहा है तो बहुत सारी सावधानियों को बरता जाए. ठीक है, जैसे सबसे पहली चीज कि उनको अपने माउथ और नोज को कपड़ों से कवर करके रखना चाहिए ताकि स्प्रे करते वक्त जो केमिकल है वो उनके नोज और माउथ के थ्रू बॉडी में ना चला जाए. अभी रिसर्च हो रही है कि इससे और ज्यादा सेफर मेथड क्या हो सकता है जिससे कि वीड्स को किल किया जा सके. जैसे आज कुछ जगहों पर ये मेथड भी यूज किया जाता है, वहां पे क्या करते हैं कि दूसरे इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको खेतों में छोड़ दिया जाता है. ये इंसेक्ट्स जो होते हैं दीज आर द गुड इंसेक्ट्स. ओके, तो ये आपके क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं, वीड्स हैं केवल. ठीक है, उन वीड्स पे अटैक करते हैं और वीड्स को खत्म कर देते हैं. सो दीज इंसेक्ट्स डोंट डैमेज योर क्रॉप्स. ऐसे इंसेक्ट्स जो हैं अगर आप उनको यूज करना चाहते हैं जो कि सिर्फ आपके वीड्स पे अटैक करके वीड्स को खत्म करें, क्रॉप्स को डैमेज ना करें, तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसे इंसेक्ट्स के रिप्रोडक्शन पे भी चेक रखा जाए. ओके, और इसीलिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जा रहे हैं इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट एंड ट्रैप द मेल पॉपुलेशन ऑफ द इंसेक्ट्स. क्योंकि इंसेक्ट्स जो होते हैं उनमें भी जो रिप्रोडक्शन होता है उनके लिए भी मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है. सो इसीलिए एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं कि किस ढंग से जो मेल इंसेक्ट्स हैं उनको ट्रैप किया जा सके ताकि उनके रिप्रोडक्शन पे चेक रखा जा सके और लार्ज अमाउंट में इन इंसेक्ट्स को रिप्रोड्यूस किया जा सके जिससे कि हमें वीडिसाइड्स ना यूज करने पड़े. क्योंकि जो पर्सन स्प्रे कर रहा है उसकी भी हेल्थ डैमेज हो रही है और प्लस जो क्रॉप्स कंज्यूम कर रहे हैं उनकी भी हेल्थ डैमेज हो रही है. सो इफ यू टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन फ्रॉम द पेस्ट एंड द डिजीज, सो पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अटैक करते हैं और डैमेज करते हैं क्रॉप्स को. सो दे कैन बी रोडेंट्स ऑल्सो लाइक अ रैट्स. सो आपने देखा होगा कि अनाज की जो बोरियां रखी होती हैं तो चूहे जाके उसको काट के और बहुत सारा जो अनाज है वो खा जाते हैं. या फिर बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े लग जाते हैं क्रॉप में जो कि आपके क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं. रैट्स जो होते हैं वो ईट करते हैं ग्रेन्स जो कि प्रोड्यूस हो जाते हैं. तो जब भी आपने क्रॉप हार्वेस्ट कर लिया और हार्वेस्ट करने के बाद जब उसको स्टोर कर रहे हो तो उस वक्त जो है वो रैट्स जो होते हैं आपके ग्रेन को डैमेज कर सकते हैं. और जो इंसेक्ट्स होते हैं बेसिकली वो जब क्रॉप आपके फील्ड में है उसी वक्त ही अगर वो इंसेक्ट्स आपके क्रॉप में लग गए तो आपके क्रॉप को वहां पे फील्ड में ही वो डैमेज कर सकते हैं. ठीक है, दे कैन इवन डैमेज द ग्रेन्स ऑल्सो. तो जब आपने स्टोर करके रखा हुआ है तो वहां पे भी अगर आपके ग्रेन्स में कीड़ा लग गया तो वो आपके पूरे ग्रेन्स को खराब कर सकते हैं. अब पेस्ट को कंट्रोल करने का तरीका है पेस्टिसाइड. पेस्ट का मतलब होता है, पेस्ट मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पेस्ट सो वी आर टॉकिंग अबाउट द रोडेंट्स ऑल्सो लाइक रैट्स और द इंसेक्ट्स ऑल्सो जो कि कीड़े लग जाते हैं क्रॉप्स में. सो इनको कंट्रोल करने का तरीका है पेस्टिसाइड्स जो कि एक पॉइजनस केमिकल होता है और लाइक द वीडिसाइड्स. और पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो किल करते हैं पेस्ट को एज वेल एज देयर एग्स. ठीक है, और जो लार्वा होता है बट आपके प्लांट्स को अफेक्ट नहीं करते हैं. सो आपने देखा होगा बहुत सारे क्रॉप्स जो होते हैं उन पे पेस्टिसाइड्स भी स्प्रे किया जाता है जिससे कि आपके क्रॉप्स में कीड़े ना लगें. ये इंक्लूड करता है इंसेक्टिसाइड्स विच इज यूज टू किल द इंसेक्ट्स एंड द रोडेंटिसाइड्स विच इज यूज टू किल द रोडेंट्स. इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं वो स्प्रे किए जाते हैं बाय द हैंड ऑपरेटेड मशीन लाइक वी स्प्रे द वीडिसाइड्स और बाय द लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट. सो एज यू कैन सी ये लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है. सो इसकी मदद से आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा एरिया ऑफ लैंड कवर कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं. ओके, बट क्योंकि ये पॉइजनस होता है लाइक अ वीडिसाइड सो इसीलिए अगर कोई मैन्युअली इसको स्प्रे कर रहा है तो उसके लिए हेल्थ का रिस्क रहता है. और इनको स्प्रे करना होता है एप्रोप्रिएट टाइम में एंड इन द करेक्ट डोजेस. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर करेक्ट डोज में स्प्रे नहीं किया जा रहा, बहुत ज्यादा स्प्रे कर दे रहे हैं, सो उससे क्या होगा, आपके जो पेस्ट हैं वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे टू द पेस्टिसाइड्स. मतलब कि अगर एक ही केमिकल बार 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 स्प्रे कर रहे हो ना तो जो पेस्ट हैं वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं तो उस पेस्टिसाइड का असर फिर उन पेस्ट पे नहीं होता और वो पेस्ट नहीं मरते हैं. सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पेस्टिसाइड को करेक्ट डोज में और करेक्ट टाइम पे ही स्प्रे किया जाए तभी वो पेस्ट को किल कर सकता है. इंसेक्टिसाइड्स जो जनरली यूज किए जाते हैं
बाय द फार्मर्स इज द मेलाथन एंड द डाइसिस्टन. अब अभी हमने पढ़ा प्लांट्स जो होते हैं कैसे अफेक्ट होते हैं ओके बाय द पेस्ट. नाउ प्लांट्स जो होते हैं दे कैन ऑल्सो बी डैमेज बाय द डिजीजेज ऑल्सो. लाइक डिजीज कैन बी कॉज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगी बैक्टीरिया एंड द वायरसेस, जिसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे. तो वो चैप्टर मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं उसका लिंक. ये डिजीज जो होते हैं बेसिकली ये ट्रांसमिट होते हैं थ्रू द सीड्स एयर सॉइल एंड थ्रू द इंसेक्ट्स ऑल्सो. सो जनरली जो वीट होता है उसमें ये दो फंगल डिजीज लग जाते हैं, एक होता है रस्ट और एक होता है स्मट. तो दोनों का ही पिक्चर मैं आपको दे रही हूँ, आप जाके देख सकते हैं. तो बेसिकली दे आर कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगी. नेक्स्ट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज, उसका पिक्चर भी मैं आपको दे रही हूँ. इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द फंगी और ये भी एक फंगल डिजीज है जो कि आपके क्रॉप को खराब कर देता है. विल्ट जो है दिस इज द डिजीज विच इज कॉज बाय द बैक्टीरियम, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो जाइलम टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के, जाइलम टिश्यूज जो होते हैं वो बेसिकली हेल्प करते हैं टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. सो क्योंकि जो जाइलम टिश्यू होता है प्लांट का वो ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण कि जो वाटर और मिनरल है वो रूट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो होते हैं वो ड्राई होने लगते हैं, सूखने लगते हैं, विल्ट होने लगते हैं. ठीक है, और उसके कारण जो क्रॉप है वो फर्दर ग्रो नहीं कर पाता. सो दीज आर द डिजीजेस विच कैन अफेक्ट योर क्रॉप्स ऑल्सो. अब इनसे कैसे बचाएं हम अपने प्लांट्स को इन डिजीजेस से? सो इनके लिए भी आपको केमिकल स्प्रे करने रहते हैं ऑफ द वेरियस काइंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स अगेंस्ट दीज डिजीजेस. जैसे कुछ ग्रुप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स जो होते हैं उनको फंगीसाइड्स कहते हैं, दे कैन डिस्ट्रॉय द फंगी. सो जैसा अभी आपने देखा रस्ट स्मार्ट इन वीट एंड द ब्लाइट्स ऑफ पोटैटोज इन पोटैटोज, दे बोथ आर द फंगल डिजीजेस. तो अगर फंगीसाइड्स उस पर स्प्रे किया जाए तो ये फंगी को किल कर देता है और फर्दर ये स्प्रेड होने से बचा देता है. पेस्टिसाइड्स जो होते हैं उनको हमेशा कॉशन से यूज करना चाहिए. पेस्टिसाइड्स आर द केमिकल्स विच आर यूज टू किल द पेट्स लाइक अ रोडेंट्स एंड द इंसेक्ट्स. अदरवाइज दे कैन कॉज द डैमेज. क्या डैमेज कर सकते हैं? These kill the useful insects as well, such as the honeybee. एंड हनी बी एक्चुअली हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है. सो अगर आप बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं तो जो यूजफुल इंसेक्ट्स हैं वो भी मर सकते हैं. और दूसरा, अगर वो आपके क्रॉप में चले जाते हैं, अगर आप बहुत एक्सेसिव अमाउंट में पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं तो आपके क्रॉप में भी चले जाएंगे और जिसके कारण वो कॉज करते हैं इरिटेशन ऑफ द स्किन एंड द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट कि इतना ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करने से वो पेस्टिसाइड जो होता है वो आपके सॉइल वाटर में भी मिक्स हो रहा है. और अगर सॉइल और वाटर में मिक्स हो गया तो वही वाटर और सॉइल जो है उसी से जो वाटर है वो एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के द्वारा और जो मिनरल वो भी एब्जॉर्ब किया जाता है फ्रॉम द सॉइल. सो बेसिकली वो पेस्टिसाइड आपके प्लांट के अंदर चला गया है. अब आप बाहर से कितना भी वॉश करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. सो इसीलिए बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में और जब जरूरी हो तभी पेस्टिसाइड्स यूज करने चाहिए. दे कैन एंटर योर बॉडी थ्रू द फ्रूट्स वेजिटेबल्स विच यू ईट एंड कॉज अस द हार्म्स. ओके, सो आपने अंगूर देखा होगा. अंगूर जो होता है उसमें बहुत ही क्लियरली देखा जा सकता है लेयर ऑफ पेस्टिसाइड्स जो कि व्हाइट कलर का होता है. ठीक है, तो इसीलिए रिकमेंडेड है कि जब भी कोई फ्रूट खा रहे हैं आप तो कम से कम जो टॉप मोस्ट लेयर पेस्टिसाइड्स की आपको विजिबल है उसको अच्छे से क्लीन करके वॉश करके और उसके बाद ही कंज्यूम करें, क्योंकि जो अंदर चला गया उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट बाहर वाला क्लीन कर सकते हैं. नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग एंड द विनोइंग्स. आपने वीडिंग कर ली, ठीक है, आपने पेस्ट से बचा लिया अपने क्रॉप्स को, आपने डिजीज से बचा लिया अपने क्रॉप्स को, अब आपके क्रॉप्स जो है वो प्रॉपरली हेल्दी वे में ग्रो हो गए हैं. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सो नेक्स्ट स्टेप इज हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग मतलब कटाई करना, फिर उसके बाद थ्रेशिंग की जाती है और फिर विनोइंग की जाती है जिससे कि फाइनल ग्रेन आपको मिल सके. सो जब आपका क्रॉप मैच्योर हो जाता है तो उसको हार्वेस्ट किया जाता है. हार्वेस्ट करने का मतलब उसको काटा जाता है और उसको इकट्ठा किया जाता है. ये मैन्युअली भी किया जा सकता है बाय यूजिंग द सिकल. सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इसको हम सिकल कहते हैं, हसुआ कहते हैं इसको हिंदी में. ठीक है, बट ये बहुत टाइम लेता है अगर आपके पास एकर्स ऑफ फील्ड्स हैं तो. ठीक है, इसीलिए ज्यादातर मशीन्स यूज की जाती हैं, उन मशीन्स को हार्वेस्टर्स कहा जाता है. और उन मशीन्स की मदद से एज यू आर सीइंग हियर, ये एक मशीन है कंबाइन जो कि दोनों के लिए ही काम करती है. ये आपका हार्वेस्टिंग भी कर देती है और थ्रेशिंग भी कर देती है. सो इस ढंग से मशीन्स भी यूज की जाती है इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स.
अब जब आपने हार्वेस्ट कर लिया, ठीक है, आपने क्रॉप को कट कर लिया, सो नाउ यू आर हैविंग द प्लांट ऑफ दैट. ओके, अब उसमें से जो ग्रेन है उसको सेपरेट करना होता है फ्रॉम द कट क्रॉप. अब ये प्रोसेस जो होता है जिससे कि ग्रेन को सेपरेट करते हैं फ्रॉम द कट क्रॉप, उसी को हम थ्रेशिंग कहते हैं. थ्रेशिंग जो होती है वो मैन्युअली भी हो सकती है. ठीक है, कैसे? वो जो कट क्रॉप है उसको रख दो, चारों तरफ फैला दो, और उसके ऊपर जो आपके बैल होते हैं, ऑक्सन और बफेलोज, ठीक है, जब वो उसके ऊपर चलते हैं तो उसमें से जो ग्रेन है वो अपने आप ही बाहर आ जाता है. ठीक है, या फिर इसको मशीन से भी किया जा सकता है, विच वी कॉल अ थ्रेशर. तो थ्रेशिंग का मतलब कि आपके कट क्रॉप में से ग्रेन आप सेपरेट कर रहे हो. ठीक है, फार्म मशीन्स भी होती हैं, जैसे कंबाइन मैंने आपको बताया, जो कि हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग दोनों ही कर देती हैं. हो आफ्टर थ्रेशिंग बेसिकली जो ग्रेन होता है ना उसके साथ वहां पे जो उस ग्रेन की कवरिंग होती है, ठीक है, तो वो भी ब्रेक डाउन होती है, तो जिसको हम काफ कहते हैं. ओके, जिसको भूसा भी कहा जाता है. सो अब उस ग्रेन को आपको सेपरेट करना है फ्रॉम द काफ. ओके, ये डन होता है विद द हेल्प ऑफ द विंड, और इसी प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं. अब इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि वो जो मिक्सचर होता है ऑफ द काफ एंड द ग्रेन, उसको ऊपर से ड्रॉप किया जाता है. As you are seeing, this girl is doing it. Okay? तो जब आप ऐसे ऊपर से ड्रॉप करते हो तो जब हवा चल रही होती है तो हवा के कारण वो जो काफ होता है, भूसा होता है, वो बहुत हल्का होता है, तो वो उड़ के दूसरी जगह इकट्ठा हो जाता है और जो अनाज है वो सारा का सारा आपका नीचे आके डिपॉजिट हो जाता है. तो इस ढंग से आप ग्रेन को काफ से अलग कर सकते हैं बाई विनोइंग प्रोसेस. ये सब कुछ होने के बाद जो स्टेम्स होते हैं क्रॉप के, वो कट होते हैं इन टू द स्मॉल पीसेस एंड यूज एज अ कैटल फॉडर. सो वो आपने ग्रेन अलग कर लिया, तो वो जो आपके पास स्टेम्स बचे हैं, ठीक है, उनको आप क्या कर सकते हो, उनको आप यूज कर सकते हो अपने जानवरों को खिलाने के लिए. ठीक है, क्योंकि उसमें भी न्यूट्रिशन है, तो वो आपके एनिमल्स को न्यूट्रिशन दे सकते हैं. नेक्स्ट, जब आप हार्वेस्ट कर लेते हो क्रॉप्स को, तो ऑफन द स्टेम्स आर लेफ्ट इन द फील्ड. ओके, सो जनरली जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं ना, तो आप जड़ों से नहीं उखाड़ रहे होते हैं उन क्रॉप्स को, ठीक है, उनको क्या कर रहे होते हैं, आप काट रहे होते हैं. तो जब आप काट रहे होते हैं तो आप केवल 3/4 ही क्रॉप काटते हैं ऊपर का, 1/4 पार्ट आप नीचे छोड़ देते हैं. ठीक है, जिस जो कि रूटेड होता है उसको हम स्टब्स कहते हैं. ठीक है, तो वो जनरली खेतों में बच जाते हैं. तो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर किसान उसको क्या करते हैं, जला देते हैं. एक्चुअली जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कॉज होता है. तो बेस्ट चीज ये है कि आप क्या कर सकते हो, उनको आप प्लोइंग कर दो. ठीक है, तो जब आप प्लोइंग करोगे तो वो अपरूट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, एंड दे गेट मिक्स विद द सॉइल. और क्योंकि वो जब मिक्स होंगे सॉइल के संग और वो डिकम्पोज होंगे, तो वॉट एवर द न्यूट्रिएंट विच इज प्रेजेंट इन दैट स्टब्स, वो भी आपके सॉइल के संग मिक्स हो जाएगा, और आपके सॉइल के न्यूट्रिएंट लेवल को मेंटेन करके रखने में वो हेल्प करते हैं. तो जलाना इज नॉट द सॉल्यूशन, आपको प्लो करके उसको वापस सॉइल के संग मिक्स कर दीजिए, ताकि वो डिकम्पोज होके वापस से आपके सॉइल में ही मिक्स हो जाए और न्यूट्रिएंट लेवल को मेंटेन करके रख सके. एंड आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, द लास्ट वन इज द स्टोरेज. अब आपने इतनी मेहनत की, ठीक है, एक क्रॉप को ग्रो करने में ऑलमोस्ट 4 to 5 months लगते हैं. अब 4 से 5 महीने, 6 महीने के बाद अगर आप उसकी स्टोरेज प्रॉपर ना करें तो आपका पूरा मेहनत खराब हो सकता है. सो इसीलिए जो हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स होते हैं नॉर्मली कंटेन मोर मॉइस्चर देन रिक्वायर्ड फॉर द स्टोरेज. ठीक है, तो जब आप उनको हार्वेस्ट करते हो तो उसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है, और हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पढ़ा हुआ है कि जो मॉइस्चर अगर प्रेजेंट है और अगर टेम्परेचर वार्म है, तो वहां पे बैक्टीरियाज और फंगी डेवलप हो सकते हैं, जो कि आपके क्रॉप को पूरा डैमेज कर सकते हैं. सो इसीलिए स्टोर करने से पहले ये जरूरी है कि उनके जो मॉइस्चर है उसके अंदर, उसको कम्प्लीटली रिमूव किया जाए. ग्रेन्स को सेपरेट कर लेने के बाद क्रॉप से क्या करते हैं कि जो एक्सेस मॉइस्चर होता है उसको रिमूव करते हैं बाय ड्राइंग द फूड ग्रेन्स इन द सन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है टू प्रिवेंट द ग्रेन फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय द माइक्रोब्स, जो मैंने भी समझाया. ओके, हाउ डज द ड्राइंग इन द सन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स? सो जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि जब आप सुखा देंगे तो मॉइस्चर उड़ जाएगा, और मॉइस्चर नहीं रहेगा तो वहां पे माइक्रोब्स डेवलप नहीं हो सकते, क्योंकि माइक्रोब्स के डेवलप होने के लिए 2 conditions चाहिए होती हैं, एक मॉइस्चर और दूसरा वार्म टेम्परेचर. अब जो ग्रेन्स हैं उनको पैक करा जाता है इन द बैग्स या फिर बिन्स, या फिर स्टोर किया जाता है इन द लार्ज कंटेनर्स.
जो लार्ज स्केल स्टोरेज होता है ग्रेन्स का, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा स्केल पे स्टोर किया जाता है ग्रेन्स को, ता है इन द सिलोस और द ग्रेनरीज एज यू आर सीइंग हियर। और यहाँ पे ये मेक श्योर किया जाता है कि ये जो सिलोस और ग्रेनरीज हैं, दीज मस्ट बी फ्री फ्रॉम द माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स एंड द रोडेंट्स। ठीक है, क्योंकि अगर उन ग्रेनरीज में अगर ऑलरेडी माइक्रोब्स हैं, इंसेक्ट्स हैं या रोडेंट्स हैं, तो वो आपके क्रॉप्स को डैमेज कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि कैसे हम माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स और रोडेंट्स से छुटकारा पा सकते हैं, सो बाय स्प्रेइंग द केमिकल्स, ठीक है, बिफोर स्टोरिंग द ग्रेन्स। सो पहले सिलोस और ग्रेनरीज में ये केमिकल्स स्प्रे किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स और आपके पेस्टिसाइड्स, ओके, इन ऑर्डर टू किल ऑल दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और फिर उसके बाद उन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। और ग्रेन्स जो होते हैं उनको पीरियोडिकली इंस्पेक्ट करना होता है, क्योंकि अगर आपने स्टोर कर दिया और आप 4-5, 6 महीने तक उसको चेक ही नहीं कर रहे हो, तो देयर मे बी चांस कि उसमें माइक्रोब्स डेवलप हो जाएंगे और आपका पूरा ग्रेन खराब हो जाएगा या फिर रोडेंट्स आके खराब कर देंगे। सो इसीलिए पीरियोडिकली उनको इंस्पेक्ट करना होता है, ताकि उन पे कोई रोडेंट तो अटैक नहीं कर रहा या इंसेक्ट या माइक्रोब। और फिर ये जो ग्रेन होता है या हार्वेस्ट होता है ओनली वंस इन अ ईयर, ओके, और इसी से पूरी पॉपुलेशन का पेट भरा जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो ग्रेन प्रोड्यूस हुआ है उसको बहुत ही सेफली स्टोर किया जा सके, ताकि नेक्स्ट हार्वेस्टिंग सीजन तक वो हमारे को हेल्प कर सके। और इन प्रैक्टिस हैवर एन एक्स्ट्रा स्टॉक कॉल्ड द बफर स्टॉक इज ऑलवेज मेंटेन, सो दैट द ग्रेन्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी। सो कितनी बार एक्स्ट्रा स्टॉक्स भी मेंटेन करना होता है, ताकि ग्रेन्स जो हैं वो प्लेंटी में हों, क्योंकि अभी आपने देखा था पेंडेमिक था, तो भले हम सब घर में थे, कुछ नहीं कर रहे थे, बट खाना तो खाना पड़ेगा ना। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो इतना ग्रेन हो सफिशियंटली कि जितनी भी पॉपुलेशन है सबका पेट भरा जा सके। या फिर मान लो किसी टाइम अनाज नहीं हुआ, या फिर पूरे क्रॉप ही खराब हो गए, क्योंकि अब तो नेक्स्ट ईयर ही वो वापस ग्रो हो पाएगा, सो उन सब टाइम्स के लिए भी एक्स्ट्रा बफर स्टॉक रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू द मॉनसून फेलियर, मान लो किसी मॉनसून में बारिश नहीं आई, तो उससे भी आपका क्रॉप जो है वो प्रॉपर ग्रो नहीं होगा और क्रॉप यील्ड बहुत कम होगी, इसीलिए बफर स्टॉक करना जरूरी है। So this is it about this video. In the next video, we will be discussing the next topic, increasing the crop produce and the hybridizing.